एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर सा सलवार बॉटम पर डिजाइन बनाने वाले हैं, यानी कि सलवार के पोंचों पर मोहरी पर हम एक डिजाइन बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल फ्री है। सो जस्ट सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन आएगा, तो आप उसको भी जरूर हिट कर लें। उसको हिट करने से जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोहरी बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम अपने बुकरम की कटिंग कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए हमने ये कट कर लिया है और इसकी चौड़ाई आपको अपनी सलवार के बिल्कुल बॉटम के बराबर रखनी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए करीब 18.5 इंच आ रही है और इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर आपको इसकी लंबाई करीब 2.5 इंच रखनी है। तो देखिए अब हम अपने पोचे में डिजाइन की कटिंग करेंगे। देखिए पोचे में हम एक लीफ वाला डिजाइन बनाएंगे, तो सबसे पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए देखिए हम बुकरम का एक छोटा सा पीस और देखिए इसको हम बीच में से कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे पहले लंबाई के निशान लगाएंगे। लंबाई हम यहाँ पर अपनी लीफ की 2 इंचेस रख रहे हैं। इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे और देखिए चौड़ाई हम अपनी लीफ की जो रख रहे हैं वो आपको 1.25 इंच रखना है। आप इसकी चौड़ाई बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो इसकी 1.25 इंच हमारी चौड़ाई हो गई और इसकी जो लंबाई है वो 2 इंच है। अब इसको देखिए इस तरीके से बीच में से हम फोल्ड करेंगे। पहले हमने इसे बीच में से इस तरीके से फोल्ड किया, अब दोबारा से बीच में से कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए अब एक लीफ का एक शेप देंगे। तो यहाँ से आपको इतना ही रखना है और ऊपर जाके कम कर देना है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारी लीफ की शेप आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। अब हम ये बुकरम ले लेंगे जो हमने पहले से कटिंग करके रखा था, इसको भी हम बिल्कुल बीच में से ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल इसको आपको बीचों बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है बिल्कुल अच्छे से और इस तरीके से उंगली से प्रेस कर लीजिए जिससे कि यहाँ पर एक सेंटर का निशान बन जाए। अब इसको हम एक बार और बीच में से कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर पे हम एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा सेंटर हो गया। अब ये जो हमने लीफ कट की थी इसको हम इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और अब अपनी लीफ की जो हमारी शेप बनी है उसको हम इस तरीके से अपने बुकरम के ऊपर इस तरीके से ट्रेस कर लेंगे। देखिए शेप हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। अब यहाँ से करीब 1.5 इंच की दूरी पर, यहाँ से देखिए करीब 1.5 इंच की दूरी पर हम निशान लगाएंगे। दोनों साइड से हम निशान लगा लेंगे 1.5 इंच की दूरी पर और यहाँ से हम दोबारा से अपनी ये लीफ रखेंगे और फोल्ड वाला साइड हमारी फोल्ड वाली साइड की तरफ रहेगा। और देखिए ऐसे ही हम दोनों साइड्स पर पूरे में ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी लीव्स को ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर हमने सारी लीव्स के बीच में 1/2 इंच का गैप रखा है। अभी जो हमने ड्रॉ किया है इसी को फॉलो करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी लीव्स की कटिंग कर ली है और ओपन करने पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। देखिए एक तरफ से शाइनिंग वाली हमारी बुकरम है तो ये हमारे कपड़े के ऊपर इजीली प्रेस से चिपक जाएगी। अगर आप इस तरह की बुकरम यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बुकरम यूज कर रहे हैं, तो आप सिंपली सिलाई करके चारों तरफ अपने कपड़े पर अपनी बुकरम को लगा। देखिए हमने अपने दोनों पार्ट्स पर बुकरम को लगा लिया है। अब देखिए इतनी ही चौड़ाई का हम एक और कपड़ा ले लेंगे, ये बिल्कुल प्लेन है। इसको हम इसके नीचे की साइड पर रखेंगे और इसकी चौड़ाई देखिए बिल्कुल हमने अपने ये जो हमने हमारा ये वाला कपड़ा है उसी के बराबर हमारे नीचे वाले कपड़े की भी चौड़ाई है। अब इसको हम बिल्कुल बीचों बीच में करते हुए इसको इस तरीके से रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम हमारा जो ये लीफ है, लीफ के बिल्कुल अंदर अंदर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए बुकरम पर आपको सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के बिल्कुल साथ में यहाँ पर सिलाई लगानी है। पूरे में ऐसे ही हम अपनी सारी लीव्स में सिलाई लगाएंगे।
अपनी सारी लीव्स में ये देखिए अंदर की साइड पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके अंदर का कपड़ा कट करेंगे। तो देखिए जस्ट आपको इस तरीके से बीच में से लीव को फोल्ड करना है और यहाँ पर एक पहले छोटा सा कट लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम बिल्कुल स्ट्रेट कट लगाएंगे पहले, और अब देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा कट करेंगे। यहाँ पर आपका करीब आधे इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। और देखिए उल्टी वाली साइड से इसको, ये जो हमारा दोनों लीफ के बीच का गैप है, यहाँ से हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए कट करेंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा कट हो गया और अंदर से भी हमने इसको कट कर लिया है। अब ऐसे ही हम अपनी सारी लीफ कट कर लेंगे। देखिए हमने पूरे कपड़े की कटिंग कर ली है और देखिए अब हम बैक पार्ट वाले कपड़े की कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से भी करीब आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए पूरे की कटिंग करनी है। देखिए पूरे कपड़े की कटिंग करने के बाद अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है, देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको इस तरीके से इसे अंदर की तरफ करना है। ये बहुत ही इजीली हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने चारों तरफ पर कट्स लगाए हुए हैं। अब बिल्कुल किनारे किनारे पर देखिए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए जो हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। अब इसके नीचे हम कंट्रास्टर का कपड़ा लगाएंगे, यानी कि अलग कलर का कपड़ा लगाएंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने ये थोड़ा शाइनिंग वाला ये कपड़ा ले लिया है। अब इसको हम देखिए इसके नीचे इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल साइड साइड में चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए बुकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी, जो हमारा कपड़ा है वहां पर हम सिलाई लगाएंगे, चारों तरफ पर हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। अब इसके अंदर हम डोरी लगाएंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने ये अलग कलर का कपड़ा कट कर लिया है, ये मैंने बिल्कुल सीधा ही कट किया है। और देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो करीब आपको 1.25 इंच रखनी है। अब इसको हम देखिए इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर करीब आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से पहले आधे इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको आधा इंच दबाते हुए पूरे में सिलाई लगानी है। ये देखिए पट्टी पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हम सीधा करेंगे, सिंपली जैसे हम डोरी को सीधा करते हैं वैसे ही सीधा करना है। बट यहाँ पर आप कोई भी नुकीली चीज ले लीजिए और इस कोने पर आपको देखिए इस तरह से इसको रखना है और इस तरीके से देखिए इसको पूरे को सीधा कर लीजिए। पट्टी हमारी बहुत ही इजीली सीधी हो गई है। अब देखिए जो हमारी सिलाई है इसको बिल्कुल बीचों बीच में करते हुए हम इस पर प्रेस कर लेंगे। ये देखिए पट्टी को हमने प्रेस कर लिया है और ये जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल बीचों बीच में आ गई है। अब पट्टी पर देखिए 3-3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम देखिए अपने पोंचों के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए ये जो हमारी एक लीफ है इसके बीच में कुछ इस तरीके से आप इसको रखिए। इस पट्टी को देखिए आपको कुछ इस तरह से तिरछा करके रखना है और अब यहाँ पर लगा लेंगे। ऐसे ही हम अपनी सारी लीव्स में इन पट्टियों को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। हमने पट्टियों को लगा लिया है। अब इन पट्टियों के ऊपर
हम एक मोती लगाएंगे। तो देखिए मोती आपको कैसे लगाना है, ये सिंपल मैंने सुई में धागा डाल लिया है और पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच में हम इस तरीके से ऊपर की तरफ सुई निकालेंगे। नीचे से हमने सुई निकाली है, अब एक कोने से इस तरीके से पकड़ेंगे और दूसरे कोने से भी ऐसे पकड़ना है आपको, ये देखिए इस तरीके से, और दोनों साइड्स को इस तरीके से। देखिए हमने पहले यहाँ पर सुई निकाली, उसके बाद इसी वाले साइड पर हमने सुई निकाली है। अब इसको इस तरीके से खींच लेंगे। अब एक बार और इसे हम पक्का करेंगे। अब देखिए हमने ये एक मोती ले लिया है, इसको इस तरीके से डालेंगे अपनी सुई में और यहाँ पर हम इसको जैसे हम अभी टांका लगाया था बिल्कुल वैसे ही टांका लगाना है। अब मोती के अंदर से इस तरीके से निकालना है धागा और इसको ऐसे पक्का करते हुए हम नीचे अपनी सुई निकाल लेंगे और यहाँ पर अब एक टांका लगाएंगे। अब इस धागे को हम कट कर देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। अब ऐसे ही हम अपने बाकी के बना लेंगे। ये देखिए जो हमारे डिजाइन है वो कुछ इस तरह से बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और अभी से ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। जो हमारे कलर्स हैं वो काफी अच्छी तरह से डिफाइन हो रहे हैं। अब इसको हम अपनी सलवार की मोहरी पर लगाएंगे कि ये हम सलवार ले लेंगे और सबसे पहले सलवार को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अब हम एक कट लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारी सलवार का सेंटर हो गया। अब इसी तरह से हमने जो डिजाइन बनाया है इसको हम बिल्कुल ऐसे मैच करते हुए फोल्ड करेंगे बीच में से और यहाँ पर अब हम एक कट लगा लेंगे। अब देखिए इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाते हुए रखना है आपको इस तरीके से, और ये हमारी सलवार का बैक वाला साइड है तो आपको उल्टी वाली साइड की तरफ जो आपका डिजाइन है उसका जो सीधा वाला साइड है आपको नीचे की तरफ करके रखना है और यहाँ पर आधे पैर का मार्जिन लेते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। पूरे में सिलाई लगाने के बाद अब देखिए इसको हम सीधी वाली साइड की तरफ टर्न करेंगे और देखिए पूरे कपड़े को जो हमारी सलवार का कपड़ा है उसको नीचे की तरफ अच्छे से दबाते हुए हम यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाइयां लगाने के बाद अब ये जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है इसको भी हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए अंदर की साइड पे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमने दोनों साइड पर ये लहरिया बनाकर अपने डिजाइन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और देखिए इसी तरह से हमने अपना दूसरा पोलचा भी बनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और इसमें भी हमने ये देखिए मोतियां लगा ली हैं। देखिए दूसरी साइड की ये पट्टियां लगाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये वाली साइड की पट्टियां हमने इस तरीके से लगाई हैं तो ये वाली साइड की पट्टियां आपको अपोजिट साइड की तरफ लगानी है, तभी जब आप इस सलवार को पहनेंगे तो आपका अपोजिट वाला लुक आएगा। इस डिजाइन को आप अपनी स्लीव्स पर, अपने सूट के घेरे पर, आप इसे अपने प्लाजो पैंट की बॉटम पे भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लगेगा ये। और जो हमारे गैप खाली है आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से बटन्स भी लगा सकते हैं अपने कलर के अकॉर्डिंग। और अगर आप चाहें तो ये बटन्स ना भी लगाएं उससे भी काफी अच्छा हमारा ये डिजाइन लग रहा है। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लग रहा है और आप इसे ट्राई करने वाले हैं या नहीं। ये बहुत ही इजी है बनाने में, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है और फिनिशिंग्स भी हमारी काफी अच्छी आएंगी इससे, देखिए बैक साइड से भी। सो आप इसे बहुत ही इजिली घर में बना सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे सेकंड चैनल फैशन एंड ट्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।